हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर ट्राइंग टू लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। क्लास 11th के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हम बात करने जा रहे हैं, अभी तक हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, राइट। फिर हमने उसकी कॉन्जुगेट और ये जो पार्ट है मॉडुलस, इसके बारे में भी वहाँ पर हमने जरूर स्टडी किया है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। अभी तक हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखा है, सिर्फ हमने यही सीखा था कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है इन नॉर्मल फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए प्लस आई बी। बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको किसी ग्राफ में या किसी दूसरी फॉर्म में, और या कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स हो सकती हैं जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर उस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर तीन फॉर्म्स लिखी हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख पाते हैं। नंबर सेकंड है, उसको हमने वेक्टर से भी कनेक्ट किया है, तो एक वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी जुड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। एंड द थर्ड वन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को कभी कभी, या आप ये भी कह सकते हो, जो मोस्ट पॉपुलर है ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड, वो पोलर फॉर्म है। इसका यूज भी बहुत है, राइट। तो यहाँ पर हम तीनों की रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, उनके बेसिक डिफरेंसेस को समझेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर डिफरेंस को समझने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए आपको इन तीन चीज़ों पर कमांड होनी बहुत जरूरी है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। बेसिक टर्म्स हैं, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन में हेल्पफुल है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन। नाउ सबसे पहली बात करते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन है क्या? आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, देर आर थ्री नेम्स। जनरली इट इज फेमस विद द आर्गेंट प्लेन और आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन। नाउ यू नो प्लेन इज सिंपल, इट इज कार्टेशियन प्लेन व्हिच वी हैव टेकन इन द कोऑर्डिनेट्स आल्सो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन प्रीवियस क्लास। बट हमने क्या चेंज किया है यहाँ पर? ये चेंज किया है कि जो हम एक्स एक्सिस यहाँ पर ले रहे थे और यहाँ पर जो वाई एक्सिस ले रहे थे, अब वो वाई एक्सिस ना लेकर हम उसको इमेजिनरी एक्सिस देते हैं। जैसे सपोज मेरे पास x प्लस आई वाई है, राइट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्चुअली मैं ये आई वाई एक्सिस हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए इसको इमेजिनरी एक्सिस बोला गया। तो इट मीन्स एक मेरे लिए रियल एक्सिस बनता है और दूसरा मेरे लिए इमेजिनरी एक्सिस बनता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, राइट। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है, और अगर मुझे उस कॉम्बिनेशन को एक ग्राफ में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए मुझे एक्सिस को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रियल एक्सिस होगा और जो सेकंड जो हमारा पार्ट है इमेजिनरी, उसके लिए हमें अलग से न्यू एक्सिस क्रिएट करना पड़ गया। या ये भी कह सकते हैं कि जो वाई एक्सिस होता था उसको ही हमने एक इमेजिनरी एक्सिस माना। ये डिफरेंस करता है, ये डिफरेंशिएट करता है इस ग्राफ को आपके कार्टेशियन ग्राफ से, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला गया, इसीलिए इसका नाम आर्गेंट प्लेन भी बोला गया, राइट। ये चीज था जो समझने वाला था। इसमें अब प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे 2+3 आए, ओके, सपोज हम यहाँ पर क्या करते थे, 1, 2, 3 ऐसे दिखाते थे, राइट है। लेकिन जब आप यहाँ पर दिखाएंगे तो आप दिखाएंगे 0, यहाँ पर दिखा देंगे 1 आए, यहाँ दिखा देंगे 2 आए, यहाँ दिखा देंगे 3 आए। अब कुछ बच्चे कहेंगे, सर अगर 2+1.5 आए, आ गया, मतलब डेसिमल में आ गया यहाँ पर, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर 1.5 मतलब आए, आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहा है, अदरवाइज तो आप डील तो रियल नंबर से करने वाले, राइट। जो डीलिंग है वो रियल नंबर से होने वाली है, सिर्फ आपने अपनी क्या चेंज किया है, अपनी टर्म चेंज करी है, उस एक्सिस का नाम चेंज किया है बिकॉज ऑफ है, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम, राइट। तो यहाँ पर अगर मुझे दिखाना हो 2+3 आए, तो मैं यहाँ से 2 जाऊंगा और यहाँ से 3 जाऊंगा, और मेरे लिए जो ये पॉइंट आएगा ये 2 और 3 बनेगा। इसको मैं देखिए लिखूंगा ऐसे ही 2, 3, बट अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का ग्राफ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर वो कोऑर्डिनेट भी है तो आपको समझना पड़ेगा, तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो तो रियल कोऑर्डिनेट होगा, और जो सेकेंड होगा वो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होगा, राइट। सो दिस इज द आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आते हैं दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट की बात करें। आर्ग्यूमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर ग्राफ का, क्योंकि इसके बिना कुछ काम चलेगा नहीं, राइट। ओके, मैं उसका भी यहाँ पर ग्राफ के थ्रू ही समझाते हैं।
ओके ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया यहाँ पर और मैंने इसको आई वाई एक्सिस दे दिया इधर इमेजिनरी एक्सिस। अब सपोज आपके लिए एक पॉइंट है यहाँ पर, सपोज मैंने बोल दिया ये एक्स वाई है और ये यहाँ से ऐसे ये लाइन। ओके अब ये जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आपकी पोजीशन होगी किसी भी पॉइंट की, आपको ध्यान चेक करना है कि वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन को जब हम ड्रॉइंग करते हैं राइट, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है राइट। अगर सपोज ये ग्राफ ऐसा हो, फॉर एग्जांपल देखिएगा अगर ये लाइन यहाँ पर हो, पॉइंट यहाँ पर हो, तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर बाय द वे पॉइंट लाइन यहाँ पर है तो ये भी ले सकते हैं उस केस में और आप ये भी ले सकते हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है आपको पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ही कंपैरिजन लेना है, आपको वो वहां से ही एंगल मेजरमेंट करना है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वही कहलाता है क्या आर्ग्यूमेंट, वही या उसको कभी कभी एम्पलीट्यूड का नाम भी लेते हैं राइट। सो दिस इज अबाउट द आर्ग्यूमेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड समटाइम थीटा, थीटा के नाम से इसको बोला जाता है। ओके अगर सपोज देखिए इस केस में क्या है, इस केस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अगर मैं यहाँ से एंगल लेता हूँ तो ये एंगल बड़ा दिखाएगा, ये एंगल छोटा दिखाएगा, इस केस में अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो आप माइनस एंगल जा रहे हैं, बट अगर आप ऐसे चल रहे हैं राइट, आपका मेजरमेंट ऐसे हो रहा है तो आप पॉजिटिव साइड पे हो राइट। तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, जैसे जैसे आता जाएगा वी विल डिस्कस, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है राइट। आर्ग्यूमेंट के हम फोर क्वाड्रेंट्स को जरूर डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि ईच सेक्शन में या ईच क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट है वो उसका बिहेवियर क्या होगा राइट। सो दिस इज द वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, मॉडुलस के लिए सपोज देयर इज अ पॉइंट ओके, दिस पर्टिकुलर लेंथ सपोज दिस इज एक्स वाई एंड द लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी इज कॉल्ड मॉडुलस and you know this one, this is called argument correct, and this particular whole thing is called argent plane. So now you have understood ki what is argent plane, what is a argument and what do you mean by modulus. Modulus sometimes can be represented by r also, resultant we sometimes is called is r, we represented by r and r amplitude you know very well right, theta, or sometimes we call it tan inverse right, theta, or we can say that tan inverse of whatever the angle is, I will tell you that angle right. Now I am coming to the next point, okay, now I will discuss about the argument properly. ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि कोऑर्डिनेट को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, मैंने बताया आपको, और उस प्लेन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया एक्स वाई और उसने यहाँ से ये जो लेंथ है इसको तो हम बात करते हैं मॉडुलस ही बोलते हैं, अभी मॉडुलस की बात नहीं करेंगे, इट मीन्स ये यहाँ से एक्स मूव किया होगा राइट और इसने यहाँ से वाई मूव किया होगा क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस के आई एम आई में, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पर ऑलरेडी आई तो प्रेजेंट करेगा ही करेगा राइट। तो उस आई को आप दिमाग में सोच सकते हो, प्रेजेंटेशन के टाइम पर हटा सकते हो। अब यहाँ से क्लियर होता है कि मुझे ये आर्ग्यूमेंट है, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा, तो जब भी आपको निकालना हो इस आर्ग्यूमेंट को तो आप कैसे निकाल पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट मीन्स क्या करना पड़ा आपको यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा और प्रेजेंट करता हूँ तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो अपॉन रियल पार्ट इट विल गिव यू टेन थीटा। अब बच्चे ये टेन थीटा क्या है, ये टेन थीटा भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, टेन थीटा आर्ग्यूमेंट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है विच इज टेन, ठीक है, टेन इज वॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड the argument, so this 10 we have to shift to the other side, so मैं इसको ऐसे लिखूंगा ठीक है, mod
मोड में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो tan की वैल्यू होती है वो माइनस पाई टू पाई ही चलेगी, ध्यान रखेंगे राइट, माइनस पाई टू पाई ही चलेगी, इस बीच में ही इसका इंटरवल है। इसका जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेंज आएगी राइट, वो माइनस पाई टू पाई ही लेनी पड़ेगी आपको, इन दोनों से बाहर नहीं जा सकते आप राइट। इससे बाहर जाएंगे तो फिर हमें अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट्स राइट। ये बिल्कुल इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो प्रिंसिपल वैल्यू मिलने वाली है एम्पलीट्यूड की वो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, माइनस पाई टू पाई जाएगी। ओके, इसमें और ज़्यादा इसको अगर मैं एलोबरेट करता हूँ तो वो कुछ ऐसी जाएगी कि थीटा विल डिपेंड ऑन दिस पाई एंड माइनस पाई राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट यू नो प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आर्ग्यूमेंट जो होगा जेड का, जेड मीन्स व्हाट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वाड्रेंट, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। सपोज आर्ग्यूमेंट, मैं सपोज ये बोलता हूँ कि टाइम यहाँ पर आ गया, तो इट मीन्स अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूंगा आर्ग्यूमेंट मेरे लिए ये है राइट। सो आर्ग्यूमेंट किस पर डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेट, बट कोऑर्डिनेट कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, अगर वो यहाँ कर रहा है कहाँ कर रहा है लाई, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें उस आर्ग्यूमेंट को डिसाइड करना है। और आर्ग्यूमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट, बिकॉज आर्ग्यूमेंट की वजह से डायरेक्शन का पता लगता है कि डायरेक्शन वो कहाँ और किस वे में जाएगा राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे ग्राफ है, जो पॉइंट है वो चारों कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर मैं उसके एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं उसका आर्ग्यूमेंट निकालने का ट्राई करता हूँ तो वो क्या क्या वैल्यू मुझे देने वाला है वो समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। देखिए मैंने चार क्वाड्रेंट्स के अलग अलग फिगर बना दिए आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी पॉइंट आता है, समझिएगा इस बात को, तो मेरे लिए जो टेन थीटा है वो यही है, यहाँ पर सिंपल पता लग रहा है मुझे पॉजिटिव साइड के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लगा रहा हूँ एंगल। तो इट मींस यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होगा इस केस में जो आर्ग्यूमेंट थीटा है वो सिंपल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ही देने वाला है राइट। उसको मैं मोड लिखूँ या नहीं भी लिखूंगा तो भी मुझे वो पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट करेक्ट। बट अगर मैं इस वाले केस में आता हूँ, इस केस में अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ तो टेन थीटा आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो ट्राइंगल बन रहा था राइट। और मैं अगर इसको ये बोल के चलूँ कि ये एक अल्फा एंगल होता है जो एक्चुअली में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के इक्वल मान लिया गया है, क्यों मान लिया गया है, क्योंकि वही एंगल एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट भी बना रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, वो अल्फा एंगल ये है बट आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट तो ये है। तो अगर मुझे आर्ग्यूमेंट डिसाइड करना हो तो सबसे पहले मुझे अल्फा की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी राइट। तो जो अल्फा आएगा उसमें से मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो स्टूडेंट क्या करना होता है, पाई माइनस ये एंगल, तो मतलब थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो क्या निकलेगी आपकी, पाई माइनस अल्फा। तो इस टाइम पर आर्ग्यूमेंट थोड़ा चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि इस एंगल ने चेंज राइट। और एक चीज और भी ध्यान रखते हुए चलनी है आपको कि आपका जो वैल्यू है थीटा की वो इन दोनों इंटरवल्स के बीच में ही रहे, पाई तक तो अप्रोच कर सकती है बट माइनस पाई तक वो क्लोज ओपन इंटरवल में, ये भी ध्यान रखना है ठीक है। ओके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक बात क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज और भी आती है, जब हम इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, इस क्वाड्रेंट आप देखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट से ही पता लग जाता है कि माइनस एक्स माइनस वाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये एंगल बनाएगा वो राइट अल्फा राइट। अब ये किसने बोला है कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ही एंगल बनेगा तो वो हमेशा इधर से ही बनेगा, ऐसे भी तो बन सकता है, डायरेक्शंस तो वहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें ये क्या चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाए वो भी पॉजिटिव साइड से। तो अगर मैं इसको इधर की साइड से मैं चेक करूँ और यहाँ से इसका रूटीन घुमाता हूँ, यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ, तो मुझे ये ऐसे जाना पड़ेगा, इस बार डायरेक्शन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। ओके अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो इट मीन्स मैं इधर की साइड जाऊंगा तो मैं माइनस रोटेट करता हुआ जाऊंगा राइट। और मैं अगर ऐसे जाता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो ये कितना कहाँ जा रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ तक पहुंचूंगा तो एक्चुअली मैं माइनस पाई चला गया
राइट, मैं माइनस पाई यहाँ चला गया और लेकिन मुझे कितना और ऐड करना है, अब मैं इधर की साइड उल्टा आ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए प्लस अल्फा है और ये मेरे लिए माइनस पाई है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, ये समझिएगा बात को, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मैं माइनस पाई हो गया, लेकिन मैंने कितना ऐड किया, प्लस अल्फा ऐड किया, तो माइनस पाई प्लस अल्फा मेरे लिए कौन सा एंगल हुआ, वो ये वाला एंगल हुआ, माइनस पाई प्लस अल्फा। मतलब कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता लग जाए कि पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, तो वहां पर जो आर्ग्यूमेंट बनेगा वो माइनस पाई प्लस अल्फा ही बनेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को, राइट। उसमें उस केस में हम ये वाला एंगल नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि अगर मैं इसको करूंगा तो ये पाई प्लस अल्फा देगा मुझे, अगर मुझे इसी डायरेक्शन से चेक करना है तो ये मुझे पाई प्लस अल्फा देगा जो इस इंटरवल से बाहर हो जाता है, जो हमने डिसाइड किया है, क्योंकि अब पाई से तो ग्रेटर हो ही नहीं सकते और यहाँ पर पाई से ग्रेटर हो गए, तो इसीलिए हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन से लेना ज्यादा सही समझा, क्योंकि हम इस इंटर प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को, और हमारा काम भी हो जा रहा है, राइट। ओके, इस केस में भी अगर हम बात करें तो ये एंगल अगर अल्फा है तो आप अगर आप बात करेंगे तो ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो माइनस अल्फा एंगल बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, अल्फा है बट ये माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा, रीजन कि अगर मैं ऐसी डायरेक्शन ले लेता हूं तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहा हूं और ये मेरे लिए माइनस थीटा ही देगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ माइनस थीटा एंगल बना रहा है, या ये कौन सा एंगल बना सकता है, ये एंगल। मींस क्या कि अगर मैं यहां से ऐसे ट्रेवल करने लगा तो यहां से मैं 2 पाई पहुंचूंगा, 2 पाई में से कितना माइनस कर दूंगा मैं, अल्फा माइनस कर दूंगा, तो 2 पाई माइनस अल्फा, बट ये मैं क्यों कंसिडर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू में डिसाइड नहीं होता, प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू माइनस थीटा रखना ज्यादा सही होगा इस केस में, राइट। सो दिस वाज़ द वन गुड प्रेजेंटेशन एंड दीज आर द रीजंस कि हमें आर्ग्यूमेंट हमारे लिए हर क्वाड्रेंट में चेंज होता चला जाता है और वो चेंज भी फिक्स है, राइट। So please see it carefully and draw all the diagrams again and check the reason why it is. So students, I have written the whole graph in these four lines so that you can understand it again. If point lies in the first quadrant, अगर मेरा जो point है, अगर वो first quadrant में lie कर रहा है, तो उसका जो argument है, वो alpha angle ही होगा जो वो ट्राइंगल बना रहा है, राइट। जो ट्राइंगल जो वो बनाता है, जो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वही मेरे लिए आर्ग्यूमेंट बन जाता है। बट अगर वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो वो जो अल्फा है, अल्फा मींस दिस वन, ये अल्फा क्या है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं बना पाता, आर्ग्यूमेंट इधर वाला बनाता है, तो कैसे दिया जाएगा, पाई माइनस अल्फा बन जाएगा वो। और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो वही क्वाड्रेंट जो मेरे लिए इधर आता है तो वो ये वाला माना जाएगा, इसको बोलेंगे माइनस पाई प्लस अल्फा, राइट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसको हम माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं, और साथ में या मैं यहां से एंगल घुमा सकता हूँ, उसको मैं 2 पाई माइनस अल्फा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये इसका एक रिकॉल मैंने कर दिया अगेन। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, यू कैन सी माइनस टू प्लस टू आई रूट थ्री। देखिए इन क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सबसे पहला टारगेट आपको ये चेक करना है कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन डालता हूँ तो मेरे लिए जो x है वो यहाँ माइनस टू है, y है वो मेरे लिए यहाँ पर टू रूट थ्री है, इसका मतलब है x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अब आप ये सोचिए कि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ही होता है उसको अगर बात करें तो अगर मैं माइनस टू, मतलब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ कहीं होगा ये, तो इट मीन्स कि ये क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सिंपल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स मैं जो आर्ग्यूमेंट देने वाला हूँ वो आर्ग्यूमेंट पाई माइनस अल्फा को रिलेट करेगा, राइट। अब मेरे लिए क्या करना है, मुझे आर्ग्यूमेंट डिसाइड करना है स्टूडेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, y, y is 2 root 3 and x is minus 2. अब minus मैंने mode लगा दिया तो मुझे positive ही लेना है, so it means root 3 आ गया,
और रूट थ्री टेन में किसका वैल्यू होता है आपको पता है 1060 का है, या उसको हम पाई बाई थ्री भी बोल देते हैं। बट ये एक्चुअली अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये पाई बाई थ्री है क्या, ये एक्चुअली पाई बाई थ्री ये है, ये वाली वैल्यू मानी जाती है क्योंकि मोड लगा दिया आपने। बट अगर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो क्या ये आर्ग्यूमेंट है, नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा इधर वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट डिसाइड करना है इसका, तो मुझे पाई माइनस पाई बाई थ्री करना पड़ेगा और मेरे लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो 2π/3 होगी। आई होप दिस वन इज क्लियर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पहले सबसे पहला डिसीजन आपको यही चेक करना है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट होगा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेंट ही डिसाइड करेगा आपका आर्ग्यूमेंट, राइट। ये कभी भी थीटा डिसाइड नहीं करता है, थीटा सिर्फ आपको वो वैल्यू देता है एंगल की, ये वाला जो एंगल होगा इसको बेटर है कि मैं इसको अल्फा लिखूं, ये अल्फा है, थीटा तो हमने एक्चुअली में आर्गुमेंट डिसाइड करा है इधर वाला जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से मिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, जो यहाँ से एंगल मिलेगा वो एंगल ये वाला एंगल माना जाता है, ना कि आर्ग्यूमेंट वाला एंगल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट और एंगल, आर्ग्यूमेंट एंड दैट एंगल अल्फा इज इक्वल ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने उस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा है कि ज्योमेट्री में इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। हमने ये भी सीख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में ही रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, राइट। सो दिस वॉज द ज्योमेट्रिकल, राइट। Now I am coming to the next point. Next point is related to vectorial form. What do you mean by vectorial form? So student, vectorial form कोई ज़्यादा उसमें है नहीं explanation समझने के लिए, but yes हम उसको ये मान के चलते हैं जब आप vector पढ़ेंगे या जिन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, हम ये मान के चलते हैं कि एक vector suppose ऐसा है, right? One more vector is passing like this. तो ये वाला जो line होता है ये इन दोनों का sum बोला जाता है, right? अगर ये x वेक्टर है और ये y वेक्टर है तो ये x वेक्टर प्लस i वेक्टर हो रहा है, राइट। दिस इज अ ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, देयर आर सो मेनी लॉज इन वेक्टर। तो हमने ये सोचा कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसी तरह की कोई फॉर्म दे पाते हैं हम क्या। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर मैं x एक्सिस पर जो चल रहा है सपोज x प्लस i y, अगर ये वेक्टर फॉर्म बन जाए और ये भी एक वेक्टर फॉर्म बन जाए तो ये वाला जो रिजल्ट होगा ये x प्लस i वेक्टर बन जाएगा। सिंपल यही बात है समझने में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में भी जब मॉडुलस निकाला जाता है, क्योंकि मॉडुलस वर्ड वहां पर भी है, वहीं से ही एक्चुअली में इसकी कनेक्शन सेट हुआ वेक्टर के साथ, तो वहां पर भी हम ऐसे ही निकालते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स अगर मेरे पास थ्री वेक्टर है, मेरे पास थ्री आई प्लस टू जे, मैं थोड़ा सा आगे की बात कर गया हूँ यहाँ पर, राइट। तो मुझे अगर इसका मॉडुलस निकालना हो तो वो भी मैं ऐसे ही निकालता हूँ, हमें ऐसे ही निकाल देना। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो लुक्स लाइक दिस, लाइक वी आर डूइंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज वाई वी कैन से दैट कि ये भी एक यानी वेक्टोरियल फॉर्म बन सकती है या वेक्टोरियल फॉर्म का